से बताएगा तू। ये नीचे का व्यू है आमिर फोर्ट का। अब ऊपर चलेंगे भाई, सीढ़ियां चढ़ना है कम से कम 500। और हम लोगों के पास भाई दो ऑप्शन थे, या तो सीढ़ियां चढ़ाएं। अब सीढ़ियां चढ़ते तो भाई 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती, तो हम लोगों ने थार की, और थार फाइनली हमें ऊपर तक छोड़ दिया है। ये जो आप किला देख रहा है, आमेर फोर्ट है, तो दिखा रहा है आमेर फोर्ट आपको। और एक बार आप व्यू देखिए पीछे का, यहाँ जितनी भी आपको प्लेसेस देखेंगे या तो पिंक कलर से देखेंगे या फिर पीले कलर से देखेंगे भाई। यहाँ ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के जो राजा थे तो उन्हें पिंक कलर से बहुत प्यार था, इसलिए मतलब जो भी चीज़ें हैं यहाँ तो आपको पिंक दिखेंगी या फिर आपको येलो कलर में दिखेंगी। चलिए फ्रेंड चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको और भी व्यू। और फ्रेंड एक ऊपर से व्यू दे रहा हूँ मैं आपको आमेर फोर्ट का, क्योंकि मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गया था। अब भाई पता चला है कि टिकट तो नीचे मिलता है, तो दोबारा से नीचे गया है मेरा फ्रेंड टिकट लेने के लिए। एक बार ऊपर से आप लोग व्यू देखिए। और ये अब अभी आप आगे देखोगे तो ये रानी के लिए झरना बनवाया गया था कि भाई जहाँ पे रानी सोएगी तो वहाँ पे झरना गिरना चाहिए। ये आप लोगों को जो दिख रहा है ये झरना है। लोग जो देख रहा है फ्रेंड ये शीश महल है, पूरा कांच का वर्क किया गया है इसके, मतलब पूरे इसके कांच का वर्क किया गया ऊपर भी। और बोलते हैं कि जैसे ही भाई इसका जो मतलब पुराने राजा महाराज रहते थे वो बल्ब जलाते थे, तो ये पूरे जो कांच है वो चमकते हैं और ऐसा लगता है जैसे तारे चमक रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ, पूरा मतलब कांच का वर्क किया हुआ है, शायद कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा। आपने अगर मेरी बिरला मंदिर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाकर वो वीडियो देखें, और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी हुई है। और अगर आप भी आमेर फोर्ट आ रहे हैं तो भाई दो ऑप्शन है, या तो आप सीढ़ियाँ चढ़कर आइए या फिर आप गाड़ी कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गाड़ी कर लीजिए, 100 रुपये में ऊपर तक छोड़ देती है। उससे क्या होगा कि आपका मतलब जो सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ेगा आपको वो नहीं जाना पड़ेगा। और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इतने बड़े बर्तन कभी देखे हुए हैं क्या। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो